नमस्कार दोस्तों, मैं जय देवांगन कम्युनिकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी जो कोचिंग है कम्युनिकेशन एकेडमी, वह बहुत जल्द ही सीजीपीएससी 2020 के लिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रही है। तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और पिछले क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा और डील भी करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ था पीएससी प्री 2019 में। तो यहाँ पूछा गया था कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था और सही आंसर था वो था 10। तो 10 वर्तमान में महारत्न कंपनियां हैं, वो 10 ये हैं, ध्यान रखेंगे। इससे पहले ये जो दर्जा दिया गया है ये अक्टूबर 2019 की बात है। 2019 में दो कंपनियों को, जो मिनी रत्न कंपनियां थी, उनको महारत्न कंपनियां का दर्जा दिया गया, जिनमें है पहला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल को, और उसके साथ ही ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि पीजीसीआईएल, इन दोनों कंपनियों को मिनी रत्न से महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो देखिए, इससे पहले जो महारत्न कंपनियों की संख्या थी वो 8 थी, इसमें 2 जुड़ जाने से यह 10 हो गया। लेकिन इससे पहले जो मिनी रत्न कंपनियां थी उनकी संख्या थी 16, जिसमें से 2 कंपनियां महारत्न बन गई, तो अब यह रह गई है 14। तो अगर आपको प्रश्न में आगे यह पूछता है कि वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो वहां 14 है और महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है। और यह जो बता रहा हूँ ये जुलाई 2020 के आंकड़े है, मतलब एकदम अप टू डेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कि मिनी रत्न कंपनी और महारत्न कंपनी में जो मुख्य अंतर होते हैं उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ। तो जो मिनी रत्न, जो महारत्न कंपनियां होती हैं, वो अन्य कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से निवेश करने के लिए 5000 करोड़ रुपए तक के फैसले स्वयं ले सकती है, जबकि मिनी रत्न में यह जो आंकड़ा है वो 1000 करोड़ रुपए तक का है। ठीक है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया था। तो ये जो था दूसरा क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे अंकटाड, विश्व बैंक, नीति आयोग और विश्व आर्थिक फोरम। तो देखिए, इसमें जो आंसर है वो है अंकटाड। तो अंकटाड ने सितंबर 2019 में डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जारी किया था, और उस रिपोर्ट में अब क्या कहा गया है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए, अंकटाड ने यह रिपोर्ट जारी किया था, तो रिपोर्ट जारी किया गया था 4 सितंबर 2019 में यह रिपोर्ट जारी किया गया था। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, ये जो रिपोर्ट था उसका मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें बताया गया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में संपत्ति सृजन के मामले में यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना सबसे आगे है। वहीं विश्व के 70 बड़ी कंपनियों में जो डिजिटल बाजार है उसमें 90% जो कंपनियां हैं वो यूएसए की हैं और चाइना की हैं। दोनों मिलाकर के जो है वो डिजिटल अर्थव्यवस्था में, जो बाजार में, अपनी 90% कंपनियां संचालित कर रही हैं। वही बताया गया रिपोर्ट के अनुसार कि वर्ष 1992 में ग्लोबल इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रैफिक जो था वो 100 गीगाबाइट पर डे था, 100 गीगाबाइट प्रतिदिन था, जो वर्ष 2017 में बढ़ करके 45,000 गीगाबाइट प्रति सेकंड हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा डेटा को। वही 2022 में लक्ष्य रखा गया है कि 150,700 गीगाबाइट प्रति सेकंड करने का। तो ये काफी अच्छा रिपोर्ट था, इसीलिए पिछले साल इसको पूछा गया था क्वेश्चन में। देखिए, अंकटाड के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अंकटाड का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को, 1964 को, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये इसके संबंध में जानकारी रही है जो क्वेश्चन आया हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया था? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर और सेवा कर। देखिए ये सभी जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस है, अप्रत्यक्ष कर है, और जो जीएसटी बना हुआ है वो अप्रत्यक्ष करों का ही एक एकीकृत रूप है। तो इसमें आंसर लिया हुआ है सीमा शुल्क को। तो जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस केंद्रीय स्तर पर शामिल है और राज्य स्तर पर शामिल है उन सब मैं बताता हूँ। जीएसटी के संबंध में कुछ छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो ही मैं आपको देता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों जीएसटी में कौन कौन से कर अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक तो केंद्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर, ताकि जल्दी याद करते बने, और साथ ही मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को याद करने के बहुत ही सरल तरीके बताऊंगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा। देखिए तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क, इसीलिए क्वेश्चन को पूछा गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे कि सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क इसमें शामिल किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए छोटा सा चीज था और इसको क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके साथ ही देखिए राज्य स्तर पर बिक्री कर यानी कि सेट टैक्स और मनोरंजन कर, चुंगी या प्रवेश कर यानी कि एंट्री टैक्स, खरीदी कर, विलासिता कर, इसके साथ ही लॉटरी या सट्टा या जुआ पर लगने वाले कर इसमें शामिल होते हैं। तो ये दो तरह का डिवीजन मैंने किया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। अगर कल ये क्वेश्चन ये पूछता है कि केंद्रीय स्तर पर कौन सा कर शामिल किया गया या राज्य स्तर पर कौन सा कर शामिल किया गया है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब हम जानते हैं जीएसटी के बारे में, चलिए देखते हैं जीएसटी के बारे में सामान्य जानकारी। देखिए जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष करों का एक एकीकृत कर है, इसको आप जानते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? तो 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुआ था और तब से हम 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। जीएसटी के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था वो 101वां संविधान संशोधन था, 101। अब इस संविधान संशोधन के माध्यम से 3 आर्टिकल जोड़े गए थे, इसको आप ध्यान रखेंगे, 246 क या ए, वही 269 क या ए, साथ ही 279 क या ए। तो ये तीनों आर्टिकल संविधान में 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। इसमें बताया गया है 246 ए में कि संसद जीएसटी के संबंध में उपबंध बना सकती है। 246 ए बताता है कि संसद वस्तु माल एवं वस्तु सेवा कर, माल एवं सेवा कर के मामले में उपबंध बना सकती है। वहीं 269 ए, अनुच्छेद 269 ए बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जीएसटी के अनुग्रहण और उसका संग्रहण इसके संबंध में इसका उल्लेख किया गया है। वहीं 279 में बताया गया है जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये तीनों आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रत्यक्ष कर और कुछ अप्रत्यक्ष करों के बारे में। तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं कुछ प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में। तो मैं पहले अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताता हूँ, आप कैसे अप्रत्यक्ष करों को याद करेंगे। देखिए इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, एक्सक्यूज मी एस एस, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। देखिए एक्स मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स, उत्पादन शुल्क,
CU कस्टम, कस्टम टैक्स, SE मतलब होता है सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, वहीं मी में M का मतलब होता है मार्केट टैक्स और E में है एंटरटेनमेंट टैक्स माने मनोरंजन कर। SS देखिए S मतलब होता है सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स और S का मतलब होता है स्टैम्प ड्यूटी। तो ये देखिए ये बहुत ही इजी है आपको अप्रत्यक्ष करों को याद करने का तरीका। वहीं हम प्रत्यक्ष कर के बारे में अगर बात करें तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। प्रत्यक्ष कर के बारे में देखिए ट्रिक है मेरे पास, आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं मृत्यु आया कृषि व्यवसाय धन संपत्ति निगम भू पूंजी हार के। तो देखिए एक ट्रिक है मृत्यु आया कृषि व्यवसाय धन संपत्ति निगम भू पूंजी हार के। तो इसके माध्यम से अगर हम देखें, देखिए मृत्यु कर, मृत्यु कर, आयकर, कृषि कर, व्यवसाय कर, धन कर, संपत्ति कर, निगम कर, भूमि कर, पूंजी लाभ पर कर, पूंजी लाभ पर कर और हार, हार यानी कि उपहार कर। तो ये आप इजीली याद कर सकते हो प्रत्यक्ष करों को। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के मैंने दो शॉर्टकट ट्रिक बताए हैं, उसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन आया हुआ था केंद्रीय बजट 2019-20 में एयर इंडिया में विनिवेश हेतु कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया था। तो इसके लिए 90,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। बजट में कौन कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट है उसके संबंध में आगे वीडियो बना के आपको जरूर बताऊंगा। तो देखिए ये 2019 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने आपको डील कर दिए हैं। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। यदि कोई भी समस्या हो, जानकारी चाहिए हो तो हमें अपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।